गुड आफ्टरनून एवरीवन, हियर हेमता मैम से वंस अगेन टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर सेकंड चैप्टर द लास्ट थिंग फ्रॉम योर प्लानिंग बुक. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड वन लॉन्ग क्वेश्चन. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड. एंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज Last Spring explained the grinding poverty and traditions that condemned thousands of the peoples to live a life of object poverty. Do you agree? Why or why not? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कहते हैं कि लास्ट स्प्रिंग जो है वो एक्सप्लेन करता है ग्रिंडिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी के बारे में एक्सप्लेन करता है, एंड ट्रेडिशन जो वहाँ का ट्रेडिशन होता है उसके बारे में हमें बताता है कि थाउजेंड्स ऑफ द पीपल जो है इसकी वजह से कि अपनी जो लाइफ है पावर्टी की लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं. ठीक है, अपने ट्रेडिशन की वजह से, जहाँ पावर्टी की वजह से उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिजरेबल होती है उनकी. तो कहता है कि क्या आप इस चीज़ से एग्री हो? अगर आप एग्री हो तो क्यों एग्री हो, अगर नहीं हो तो तब भी आपने बताना है. क्या आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जहाँ क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि कार्वेट टू डैम इज गोल्ड, हाउ डू यू रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव. तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्बेज जो है उनके लिए गोल्ड है और जो रैग पिकर्स हैं वो सीमापुरी में कैसे सर्वाइव करते हैं. कहता है कि द लास्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशंस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन हु हैव टू लिव इन स्लम एंड वर्क हार्ड इन वेरी डर्टी कंडीशन. तो कहता है कि लास्ट स्प्रिंग जो है वो डिस्क्राइब करता है पिटिएबल कंडीशन किनकी, पुअर चिल्ड्रन की. पुअर चिल्ड्रन जो है उनकी पिटिएबल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है. तो कहाँ पर रहते हैं, जो रहते हैं वर्क करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और डर्टी कंडीशन में रहते हैं. कहता है दे हैव नेवर सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर पेरेंट्स आर टू पुअर. तो कहते हैं कि उनको स्कूल नहीं भेजा जाता. क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होते हैं. इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब देयर लॉट्स द राइटर्स फर्स्ट टेक्स अप द केस ऑफ द पुअर रैग पिकर्स. कहता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो बात हमें कही है उसने, पोइट ने हमें जो बताया है, सॉरी राइटर ने हमें जो कहा है, कह रहे हैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले जो राइटर है उसने किन बच्चों के बारे में मतलब बात करनी चाहिए, रैग पिकर्स जो पुअर रैग पिकर्स हैं उनके बारे में उसने मतलब हमें बताने की कोशिश की है. हु हैव सेटल्ड इन सीमापुरी एरिया ऑफ डेली, जो डेली की सीमापुरी एरिया में रहते हैं. इट इज़ अ स्लम एरिया वेयर अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लाइव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड. तो कहते हैं कि ये एक स्लम एरिया है जहाँ पे अबाउट 10,000 रैग पिकर्स जो है वो यहाँ पे रहते हैं. दे हैव रूफ ऑफ टीन एंड टैरोप्लिन, उनका जो रूफ है टीन और टैरोप्लिन का है. देयर इज़ नो सैवेज, कोई यहाँ पे सैवेज नहीं है. ड्रेनेज यहाँ पे नहीं है, रनिंग वाटर यहाँ पर नहीं है. दोज हु लिव हेयर केम फ्रॉम बांग्लादेश, तो ये जो जहाँ पे रहते हैं ये बांग्लादेश से आए थे इन 1971 में. फॉर देम रैग पिकिंग मीन सर्वाइवल, तो कहते हैं उनके लिए जो रैग पिकिंग है वो क्या है, सर्वाइवल. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, तो गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, ये उनके डेली ब्रेड है. देन द राइटर टेक्स अप द केस ऑफ द पुअर बेंगल मेकर्स. देन उसके बाद राइटर जो है वो हमें दूसरे बच्चे के बारे में बता रहा है, जो दूसरे लोगों के बारे में बता रहा है, जो कौन है, पुअर बेंगल मेकर्स हैं. कहते हैं कि उनकी जो जनरेशन जो है वो यहाँ पर काम करती है और बेंगल मेकिंग का काम करती है. कहाँ पर? फिरोज़ाबाद, ये फिरोज़ाबाद में रहते हैं. कहते हैं दोज हु हैव एक्सप्लॉयटेड बाई ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो एक्सप्लॉयटेड होते हैं. जितने भी जो सोसाइटी के रहने वाले लोग होते हैं वो उनको क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं. जैसे उन्होंने कहा कि जो साहूकार होते हैं, पुलिसमैन जो होते हैं, ये सारे उनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं. प्लस इसके साथ जो इंडस्ट्रीज के ओनर होते हैं वो भी उनको एक्सप्लॉयट करते हैं. कहते हैं फॉर अदर फैमिली हैव हेयर इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, की यहाँ पर हर फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग का ही काम करती है. फॉर जनरेशन फैमिलीज हेयर हैव बिन वर्किंग अराउंड ग्लास फर्नेसिस, यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन फैमिली जो है ग्लास फर्नेसिस में काम करती है, हाई टेम्परेचर में काम करती है. प्लस डिंगी सेल जो है वहाँ पर कोई लाइट नहीं होती, कोई एयर नहीं होती, जहाँ पे ये जो लोग काम करते हैं, बेंगल मेकिंग का काम करते हैं, ग्लास बनाने का काम करते हैं, वहाँ पर लाइट भी नहीं होती, ना ही एयर होती है. तो कहते हैं कि अबाउट 20,000 चिल्ड्रंस हैव टू वर्क इन डार्क प्लेसेस ऑल डे लॉन्ग. तो 20,000 के करीब बच्चे यहाँ पर काम करते हैं पूरा दिन. तो उसकी वजह से ये जो लोग हैं ये डार्क में एडजस्टेड हो जाते हैं.
लाइट में ये इतना नहीं देख पाते जितना मतलब ये डार्क में देख पाते, अंधेरे में देख पाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम ही इस तरह से करना था, पूरा दिन मतलब उसी में काम करते रहते, तो इसलिए इनको आदत हो जाती है, अंधेरे की इनको आदत हो जाती है। कहते हैं मैनी ऑफ देम लॉस देयर आई साइट्स इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। कहते हैं कि इनमें से काफ़ी जो हैं उनकी आई साइट जो है वो चली जाती है, लॉस कर देते हैं अपनी आई साइट जब तक उन्होंने बड़े होना होता है, एडल्ट बनना होता है। तो कहते हैं कि द पुअर बेंगल मेकर्स लीड अ मिजरेबल लाइफ, काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल लाइफ स्पेंड करते हैं। दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय द मिडल मैन, मिडल मैन इनको एक्सप्लॉयट करते हैं, पुलिस मैन इनको एक्सप्लॉयट करते हैं, साहूकार जो होते हैं वो इनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के वो भी इनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रीफ राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द टाउन ऑफ द फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद के टाउन के बारे में बताना है कि वो कैसा था। तो फिरोजाबाद जो टाउन है वो एक डर्टी टाउन था, ये फेमस था किसके लिए फेमस था, ये बैंगल्स के लिए फेमस था। यहाँ पे जो फैमिलीज हैं जितनी भी जो फैमिलीज होती थी वो बैंगल मेकिंग का ही काम करती थी। और फिरोजाबाद जो है ये सेंटर है, सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का ये सेंटर है। फॉर जनरेशन फैमिली इन फिरोजाबाद जो है वो वर्किंग यहाँ पे काम करती हैं इस ग्लास फर्नेसिस में, जितनी जो फैमिलीज यहाँ पे रहती है वो सारी इसी में काम करती हैं। वो क्या करती हैं, दे वेल्ड ग्लास एंड मेक्स बैंगल्स, वो ग्लास को वेल्ड करती है, बैंगल्स उनकी बनाती है वुमेन के लिए। बट दीज पीपल्स हैव ऑलवेज बीन वेरी पुअर, और ये जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं ना फिरोजाबाद में जो लोग हैं जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, इनको हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क इन डेंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, विदाउट एयर एंड लाइट इनको काम करना पड़ता है। 20,000 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, इनको जो है डार्क जो है वो एडजस्टेड हो जाते हैं डार्क से, ठीक है। तो और जब तक ये अडल्ट होते हैं तब तक इनकी जो आई साइट है वो वीक हो जाती है, जब उनकी आई साइट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इनकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन होती है, और इनको जो लोग होते हैं वो इनको एक्सप्लॉयट करते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा ना ब्रीफ मतलब उसके बारे में बताइए, फिरोजाबाद टाउन के बारे में बताइए, तो आपने इस तरह से उसको लिख देना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वहाँ के लोगों की कंडीशन क्या है, कि फिरोजाबाद में लोग रहते हैं उनकी कंडीशन क्या है, तो तब भी आपने यही जो है बता देना है, यही आंसर लिख देना है, आपका जो आंसर मतलब सेम हो जाएगा उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द साहिब, कि मुकेश का जो एटीट्यूड था सिचुएशन को लेकर। अब मुकेश भी तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था ना, तो साहिब भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो साहिब बिलोंग करता था रैग पिकर से, ठीक है, उनकी जो फैमिली थी रैग पिकिंग का काम करती थी, और मुकेश जो है उसकी फैमिली काम करती थी बैंगल मेकिंग का। तो कहते हैं कि मुकेश का एटीट्यूड जो था, सिचुएशन दोनों की सेम थी, दोनों ही पुअर थे, उनकी फैमिली भी पुअर थी, ठीक है, दोनों की। तो कहते हैं लेकिन मुकेश का जो एटीट्यूड था वो साहिब से कैसे डिफरेंट था उसकी सिचुएशन को लेके। अब देखिए बेटे यहाँ पे कहते हैं कि साहिब जो है वो एक रैग पिकर था। मैनी ईयर्स बैक, कि काफ़ी देर पहले क्या हुआ था, काफ़ी देर पहले उसकी जो मदर थी वो बांग्लादेश से यहाँ पर सीमापुरी एरिया में आई। मुकेश जो साहिब है वो सीमापुरी रहता था, जो मुकेश है वो फिरोजाबाद रहता था, और मुकेश की फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग का काम करती थी, और साहिब जो है साहिब और साहिब की फैमिली जो है वो रैग पिकिंग का काम करती थी। तो अब इनमें डिफरेंस बताना है कि मुकेश का जो एटीट्यूड था लाइफ को लेके वो कैसे डिफरेंट था। तो कहते हैं कि जो साहिब है, साहिब की फैमिली जो है वो बांग्लादेश से आई थी, और अब ये सीमापुरी में सेटल हो गए हैं, स्लम एरिया में रहते हैं। सीमापुरी में जितने भी जो लोग रहते हैं वे सारे क्या हैं, बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से ही आए हैं। तो कहते हैं कि ही स्पेंड ऑल हिज डे लुकिंग फॉर रैग्स, कि ये अपना पूरा जो दिन है, जो मुकेश अपना सॉरी साहिब जो अपना पूरा दिन है वो किस में स्पेंड करता है, वो जो रैग्स होते हैं, जो गार्बेज हीप्स होते हैं, वहाँ पे रैग्स जो है उसको ही वो देखता था, उसको ही वहाँ पे सर्चिंग करता था कि चाहे उसको कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाए। कहते हैं ही हैव हिज ओन अम्बिशन, साहिब की भी कुछ अपनी अम्बिशंस थी, बट ही नोज देर इज़ नो वे। कहते हैं लेकिन उसको उसका वे नहीं पता था, रास्ता नहीं पता था। अम्बिशंस तो उसकी भी थी, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर वे जो होता है ना, उसके पास अच्छी जो गाइडलाइन होती है, जो अच्छा प्रॉपर वे जो होता है वो उसके पास नहीं था, कि किस तरह से मैंने इसके साथ कॉप अप करना है, कैसे मैंने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कोई और काम ढूंढना है। कहता है ही वांट्स टू गो टू स्कूल, कहता है वो स्कूल तो जाना चाहता था, बट देयर इज़ नन ही कैन गो, कहता है लेकिन यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं था जहाँ पर वो जा सकता। इन ऑर्डर टू हैव अ फिक्स इनकम, अब उसको एक फिक्स इनकम के लिए ही गिव अप रैग पिकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग एट अ टी स्टॉल,
कहता है उसने अब इनकम के लिए, पैसों के लिए उसने क्या किया कि जो एक रैग पिकिंग का वो काम करता था उस काम को उसने छोड़ दिया, अब एक टी स्टॉल पे लग गया। बट नाउ ही फील्स नो वन डिफरेंस, कहते लेकिन यहाँ पे उनके बीच में एक डिफरेंस आ गया। प्रीवियसली द बैग ऑफ द रैग्स बिलोंग्स टू हिम, बट नाउ द स्टील कंटेनर्स ही हैज़ टू कैरी बिलोंग्स टू मैन हु ओन्स द शॉप। कहते देखो यहाँ पे अब क्या मतलब एक डिफरेंस है कि पहले जो वो बैग उठाया करता था, तो प्लास्टिक वो बैग उठाया करता था जिसके बीच में वो अपनी वो चीज़ें डालता था, ठीक है, बैग के अंदर जो चीज़ें डालता था वहाँ से जो गार्बेज हीप थे वहाँ से उठा के। तो कहते हैं वो जो प्लास्टिक बैग था तब वो था अपना मास्टर, तब वो अपना मास्टर खुद था, ठीक है, खुद कमाता था। लेकिन अब जो है अब उसने काम करना तो स्टार्ट किया, अब उसने एक टी स्टॉल पे लग गया, लेकिन अब वो अपना मास्टर नहीं रहा, अब इसका मास्टर कोई और है जो उस शॉप से बिलोंग करता है, ठीक है, वो अब इसका मास्टर है। अब जो साहब है उसको किसी के अंडर जो है वो काम करना है। साहिब ने अपनी सिचुएशन के साथ कोप अप कर लिया, ठीक है, कि अब उसको ये लगता था कि मुझे इसके अंडर ही काम करना है बिकॉज़ मुझे कुछ पैसे जो है वो मिल जाएंगे। तो उसने खुद अपना मास्टर नहीं रहा, अब उसने क्या किया, अब उसने सिचुएशन से हैंडल करने के लिए वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया और किसी के प्रेशर में किसी के अंडर अब वो काम करता था। अब साहिब का देखिए, सॉरी मुकेश का, कि मुकेश जो है कहते हैं कि मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। तो मुकेश जो है वो उस फैमिली से बिलोंग करता था जो बैंगल मेकिंग का काम करती थी और फिरोज़ाबाद में रहती थी। जनरेशन ऑफ हिज फैमिली हैव बीन एंगेज इन दिस ट्रेड, और जितनी भी जो जनरेशन थी इस फैमिली की वो सारी किस्में एंगेज थी यही बैंगल मेकिंग के ट्रेड में। कहते हैं वट बैंगल्स मेक्स इन फिरोज़ाबाद, और जो बैंगल्स फिरोज़ाबाद में बनाई जाती थी, जनरेशन ऑफ हिज सॉरी वट स्टिल दे लिव इन कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पावर्टी। कहते हैं कि चाहे वो यहाँ पे इतनी देर से इनकी जनरेशन टू जनरेशन या मतलब काम कर रहे थे, जनरेशन से ही काम कर रहे थे यहाँ पे, तो फिर भी इनकी जो कंडीशन थी वो चेंज नहीं हुई, ये पुअर के पुअर ही रहे, जो मुकेश की फैमिली ये पुअर ही रहे। कहते हैं टू मुकेश द लाइफ ऑफ द बैंगल मेकिंग इज वर्स, तो कहते हैं मुकेश के लिए जो लाइफ थी बैंगल मेकिंग की ये वर्स है, बहुत ही बुरी लाइफ है। एंड देन डेट ऑफ ए स्लैब, कि मतलब जैसे एक स्लैब की लाइफ होती इस तरह से इसकी लाइफ है। तो कहते हैं ही सेज ही वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, तो मुकेश जो है वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता था। जो साहेब है वो अपना मास्टर पहले था, लेकिन पैसों के लिए उसने क्या किया, उस वो अपना मास्टर नहीं रहा, उसने अब किसी के आगे काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुकेश जो है, मुकेश अब स्लैब नहीं बनना चाहता, वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता है। कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो वी कैन से दैट मुकेश अ लिटल मोर कॉन्फिडेंट एंड इमेजिनेटिव देन साहिब, तो मुकेश जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, ज़्यादा इमेजिनेटिव था, किससे, साहिब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हैज़र्ड्स ऑफ द वर्किंग इन अ ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, तो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में जो काम करना वो कितना हैज़र्ड था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट में भी करवाया हुआ है, तो लॉन्ग में भी मतलब आप दो तीन लाइंस बीच में एडजस्ट कर देना, शॉर्ट में अगर आपने किया होगा तो आपका हो जाएगा, तो अगर आपने लॉन्ग में करना है तो फिर आपका शॉर्ट जो है वो आसानी से हो जाएगा, कर सकोगे आप उसको भी। कहता था पुअर बैंगल्स मेकर्स मिजरेबल लाइफ, जो बैंगल मेकर्स थे वो एक मिजरेबल लाइफ को स्पेंड करते थे। दीज पीपल्स have always been poor, ये जो लोग थे ये poor थे, they have to work in glass bangle industries, उनको black bag glass जो है bangles industry में उनको काम करना पड़ता था। they have to weld glass, वो glass weld करते थे और उनकी bangles बनाते थे। इनको high temperature में काम करना होता था, वही मतलब उनकी condition के बारे में बताना है कि कैसी उनकी condition थी, क्या hazard था वहाँ पे, तो वैसे ही अब आपने इसका आंसर दे देना है कि वहाँ पे वो काम करते थे हाई टेम्परेचर में काम करते थे, कोई वहाँ पे एयर नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी जहाँ पे इनको काम करना पड़ता था। ये अब डार्क के साथ एडजस्टेड होके हुए थे, यहाँ पे 20,000 जो चिल्ड्रन थे वो काम करते थे, पूरा दिन उन्हें काम करना होता था, तो काफ़ी ज़्यादा जो थे इनमें से उनकी जो आई साइट थी वो वीक हो जाती थी, कुछ तो लॉस्ट ही क्योंकि तो आई साइट जो है वो लॉस्ट ही हो जाती थी जब तक वो एडल्ट होते थे। तो कहते हैं द बैंगल्स मेकर्स नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, तो यहाँ पे जो बैंगल मेकर्स जो रहते थे उनको सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम आता था और उनको कोई काम नहीं आता था। तो कहता है कि एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद अ सिटी ऑफ बैंगल्स इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, कहते हैं जितनी भी जो फैमिलीज यहाँ पे रहती थी तो वो सारी कौन से काम करती थी, बैंगल मेकिंग का ही काम करती थी।
तो कहते हैं फॉर जनरेशन फैमिलीज इन फिरोजाबाद हैज़ बीन वर्किंग अराउंड ग्लास फाइनेंसिस इन डेंगी सेल्स देयर लाइफ इज़ वर्स देन हेल। कहते हैं जितने जो फिरोजाबाद में रहने वाले थे फैमिलीज थी वो सारी यहाँ पे काम करती थी, इन्होंने जनरेशन टू जनरेशन मतलब यहाँ पे काम करती थी और इनकी जो लाइफ थी इस तरह से लाइफ थी जैसे कोई एक नर्क होता है ना, इससे भी बुरी उनकी लाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस कंस्पायर्स टू कीप द वर्स इन बैंकर इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद इन पावर्टी। तो कौन कौन सी फोर्सेस थी यहाँ पे जो इनके ऊपर प्रेशर डालती थी इनको वर्क करने में, काम करने में, कि इनकी हालत तो जो थी वो चेंज नहीं हो पाती थी, ये कुछ और सोच नहीं पाती थी, तो कौन कौन सी फोर्सेस थी। तो ये भी क्वेश्चन बेटा आपने शॉर्ट में किया हुआ है। तो फोर्सेस इसमें देखो बेटा, कुछ साहूकार जो थे वो होते थे, पुलिसमैन होते थे। कहते कि ऑल फोर्सेस इन पावर, जितनी फोर्सेस पावर में थी, कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंकर इंडस्ट्रीज ऑफ फिरोजाबाद इन पावर्टी। तो ये इनको कंस्पायर करती थी कि ये जो काम यहाँ पे करें, इसी पावर्टी में ये रहें तो यहीं पे काम करें। इसमें जो इंक्लूड थे वो थे फैक्ट्री ऑनर्स हो गए, पुलिस ऑफिशियल हो गए, साहूकार जो होते थे वो सारे इसमें इंक्लूड होते थे। मतलब वो इस तरह से इनके ऊपर प्रेशर डालते थे कि ये इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते थे। कहता है इफ़ द वर्कर्स मेक एनी अटैम्प्ट, अगर जो वर्कर होते थे वो कोई अटैम्प्ट करते भी थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, कोई कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश भी करते थे, तो उनको पुलिस जो थी उनको मतलब उनके एफर्ट को क्रश कर देती थी, उनको मारा जाता था, उनको जेल में मतलब भेजा जाता था, उनके ऊपर चार्ज लगाए जाते थे। और चार्ज इसलिए लगाए जाते थे कि इन्होंने क्या किया, कोई अलीगल एक्ट किया है, मतलब उनके ऊपर कोई ब्लेम लगा के तो उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। कहते दे आर कैच इन द वीजियस सर्कल्स ऑफ साहूकार, साहूकार जो थे वो इनके ऊपर प्रेशर डालते थे, मिडिल मैन जो होते थे, पुलिस मैन जो होते थे, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस जो होते थे वो सारे क्या करते थे इनके ऊपर इस तरह से प्रेशर डालते थे। एक वीसियस सर्कल इन्होंने बना के रखा हुआ था, एक वेब इन्होंने बना के रखा हुआ था कि जिसके बाहर इन लोगों को आने ही नहीं देते थे। तो कहता है द पुअर बैंगल मेकर्स हैव कम टू एक्सेप्ट देयर फेट एज समथिंग नेचुरल, और इन्होंने इसी को अपनी किस्मत माननी हुई थी कि शायद ये नेचुरल है, हमारी किस्मत में ही ये चीज़ लिखी हुई है। कहता वी हैव द डेमोक्रेसी इन द नेम ओनली, द एक्चुअल लिविंग कंडीशंस फॉर द पुअर आर वर्स देन द दोज इन फेडरलिज्म। तो कहता है कि इन डेमोक्रेसी तो सिर्फ इनके लिए एक नाम की डेमोक्रेसी थी, इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स थी। नेक्स्ट देखिए करेक्टर स्केच ऑफ साहेब। तो साहेब जो था वो एक रैगपिकर था, उसका नाम था साहेब आलम, रैगपिकर था, सीमापुरी एरिया में रहता था। वो सर्चिंग करता था गार्बेज हीज से, वहाँ पे सर्चिंग करता था किसके लिए, फॉर सम मनी के लिए। ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू, उसके पास कुछ और काम नहीं था करने के लिए तो वो यही काम करता था। तो कहते हैं कि उसके नेबर में कोई स्कूल भी नहीं था, इवन कि वो स्कूल जाना चाहता था लेकिन उसके इस नेबर में कोई स्कूल भी नहीं था। देन उसके बाद वट इज़ इन हिज इन द नेम, तो उसके नेम के अंदर मतलब क्या छुपा रहा, क्या मतलब है उसके नेम का। तो साहिब आलम जो थे हुज फुल नेम साहिब आलम, साहिब का नाम पूरा जो था वो साहिब आलम था, वो अपने नाम का मीनिंग नहीं जानता था। उसके नाम का मीनिंग क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और यहाँ पे वो कहते हैं कि एक आयरनी जो है वो छुपी हुई है, एक आयरनी छुपी हुई है उसके नाम के अंदर, कि मतलब नाम उसका देखो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स लेकिन रियलिटी में वो क्या है, रियलिटी में वो इतना पुअर है कि वो प्रॉपर फूड जो है वो भी नहीं खा पाता, ना ही उसके पास शेल्टर है प्रॉपर, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ उन स्ट्रीट्स जो थी, गलियां जो थी वहाँ पे वो क्या करता है, रोमिंग करता है, घूमता है बेयर फुटेड। थर्ड इसमें आ गया ही लॉन्ग्स फॉर, उसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती थी, काफ़ी ज़्यादा विश होती थी, तो वो क्या करना चाहता था, टेनिस जो है उसको खेलना चाहता था। ही लाइक्स टू वॉच मैन प्लेइंग टेनिस, जो वहाँ पे मैन टेनिस खेलते थे उनको देखना उसको पसंद लगता था, अच्छा लगता था। ही वियर्स टेनिस शूज़, उसने टेनिस वो शूज़ जो थे उसको तो वियर कर लिया, विच समवन गिव हिम, जो किसी ने उसको दिए थे। और वो जो शूज़ थे वो डिस्कार्डेड शूज़ थे, डिस्कार्डेड शूज़ मतलब किसी रिच बॉय ने उसको डिस्कार्ड कर दिया होगा, क्यों, क्योंकि एक शूज़ में क्या था, होल था। कहते हैं इवन सच शूज़ फॉर हिम इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, कहते हैं कि उन और ये जो शूज़ थे उसके पास ये ऐसा लगता था कि जैसे उसका कोई ड्रीम जो है वो फुलफ़िल हो गया हो, क्योंकि उसको टेनिस खेलने का शौक़ था, वो टेनिस पसंद करता था, टेनिस शूज़ तो उसको मिल गए, किसी ने मतलब टेनिस शूज़ तो दे दिए होंगे, बट कहता है दो द गेम ऑफ द टेनिस इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन फिर भी जो गेम खेलनी थी टेनिस की, जो वो चाहता था
जो चाहता था कि मैं टेनिस की गेम खेलूँ वो उसकी पहुंच से बाहर थी। नॉट हैप्पी विद हिज जॉब, तो साहिब जो है वो अपनी जॉब से हैप्पी नहीं था। ही ऑल्सो फाउंड अ जॉब एट द टी स्टॉल, तो उसको टी स्टॉल पे जॉब जो थी वो मिली थी। ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, जब उसको मतलब वहाँ पे उसने जॉब की तो उसकी जो एक केयर फ्री लुक थी वो उससे लॉस्ट हो गई। ही स्पेंट 800 रुपीज़ एंड गिवन ऑल हिज मील्स, उसको 800 रुपीज़ दिया जाता था प्लस उसके साथ उसको मील्स भी दिया जाता था, खाने के लिए भी दिया जाता था। बट ही इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, लेकिन साहिब अब अपना मास्टर खुद नहीं रहा। ही फील्स बाउंड एंड वर्डन, तो वो काफ़ी ज़्यादा बाउंड और वर्डन फील करता था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग टू हिम, और जो स्टील कनिस्टर था वो उसको हैवियर लगता था उस प्लास्टिक बैग से। ही बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्ड द टी स्टॉल, ही वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग देयर, कहते हैं अब वो उस इंसान से बिलोंग करता था जिसका अपना क्या था टी स्टॉल था और इसको उसके अंडर काम करना पड़ता था, लेकिन ये अपने काम से खुश नहीं था। खुश क्यों नहीं था, क्योंकि पहले ये अपना मास्टर खुद था लेकिन अब ये अपना मास्टर नहीं रहा। चाहे वो रैग पैकिंग का ही काम करता था लेकिन वो खुशी से करता था, अपनी मर्जी से करता था, जो उसको अच्छा लगता था वो करता था। लेकिन अब इसको पैसे तो मिल रहे हैं 800 रुपीज़ प्लस उसको खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन अब जो इसकी एक केयर फ्री लुक थी अपना ये खुद का मास्टर जो था ये अब नहीं रहा। अब इसको किसी के प्रेशर के मतलब काम करना पड़ता, किसी के प्रेशर में या किसी के अंडर इसको काम करना पड़ता था। तो बेटा ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए। तो इसका करैक्टर अब हम कल, जो उसका करैक्टर है मुकेश का करैक्टर हम कल करेंगे। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।